आज के वीडियो में आप देखेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहला मैच कब और कहां खेला गया था, सबसे पहला रन किसने बनाया था, सबसे पहला शतक किसने मारा था, सबसे पहला विकेट किसने लिया था, पहली बॉलिंग किसने की थी, पहला चौका किसने मारा था, पहली बार 5 विकेट किसने लिए थे। यानी क्रिकेट की कुछ ऐसी बातें आप जानेंगे जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी यह सब कुछ जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। आपको पता है कि अंग्रेज यानी इंग्लैंड ने इस खेल की शुरुआत की थी, इसलिए इंग्लैंड को क्रिकेट के खेल का जनक माना जाता है। शुरू शुरू में क्रिकेट सिर्फ अमीर लोगों का खेल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें आम लोगों की बढ़ती रुचि के कारण क्रिकेट पूरी दुनिया में लोकप्रिय होता गया और आज इसकी लोकप्रियता को आप अच्छे से जानते हैं। तो क्रिकेट की शुरुआत टेस्ट क्रिकेट से हुई थी और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक खेला गया था। और दुनिया का सबसे पहला एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 5 जनवरी 1971 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। यानी टेस्ट क्रिकेट शुरू होने के करीब 90 साल बाद और उसके बाद पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 17 फरवरी 2005 को खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट का पहला टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 245 रन बनाए और दूसरी पारी में 104 रन बनाए थे। वहीं सामने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 156 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन इंग्लैंड सिर्फ 108 रनों पर आउट हो गया। यानी दुनिया का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और दुनिया के पहले एक दिवसीय मैच के बारे में बात करें तो उसमें भी पहला टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उन्होंने पहले बॉलिंग की थी। तब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 191 रन बनाकर पहला वनडे जीत लिया था। आमतौर पर शुरुआत में एक दिवसीय मैच 60 ओवरों का खेला जाता था, लेकिन ये पहला एक दिवसीय मैच 40 ओवर का था और वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। और बात रही T20 मैच की, तो दुनिया के पहले T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया था। यानी पहला टेस्ट मैच, पहला एक दिवसीय मैच और पहला T20 मैच तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब बात करते हैं कि इन तीनों फॉर्मेट में पहला शतक किसने मारा था। तो टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन ने बनाया था और बैनरमैन ने अपने पहले ही टेस्ट में 165 रन की पारी खेलकर यह मुकाम हासिल किया था। और एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाला इंग्लैंड के डेनिस एमिस थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1972 में वनडे क्रिकेट का पहला शतक बनाते हुए 103 रन बनाए थे। और T20 क्रिकेट में पहला शतक वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने बनाया था। गेल ने यह शतक साल 2007 में साउथ अफ्रीका के सामने बनाया था, जिसमें उन्होंने मात्र 57 गेंदों में 117 रन बनाए थे। अब दोहरे शतक की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट का पहला दोहरा शतक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिली मर्कोड ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1884 में बनाया था। मर्कोड ने इस मैच में 211 रनों की पारी खेली थी। और एक दिवसीय मैच यानी वनडे क्रिकेट में सबसे पहला दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज भारत के सचिन तेंदुलकर थे, जो तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2010 में 200 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अभी तक एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 3 दोहरे शतक बनाए हैं, जो आप जानते ही होंगे। अब तेरह शतक यानी 300 रनों की पारी की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में पहला तेरह शतक इंग्लैंड के एंडी सैंडम ने साल 1930 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था, जिसमें
उन्होंने 325 रनों की पारी खेली थी और टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी द्वारा 400 रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का है। लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2004 में 400 रनों की पारी खेली थी और यहाँ 400 रनों का रिकॉर्ड आज भी ब्रायन लारा के नाम है। लेकिन रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए ही बनते हैं, तो आपको क्या लगता है, लारा का यह रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, और अगर टूटेगा तो कौन तोड़ेगा? चलिए उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट करें। अब क्रिकेट में सबसे पहले गेंद किसने फेंकी थी, तो सबसे पहले गेंद साल 1877 में इंग्लैंड के अल्फ्रेड ने फेंकी थी। अब पहला चौका किसने लगाया था, तो ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन ने टेस्ट क्रिकेट का पहला चौका लगाया था। और टेस्ट क्रिकेट में पहला विकेट इंग्लैंड के एलन हिल ने पहला टेस्ट विकेट लिया था और उन्होंने ही टेस्ट क्रिकेट का पहला कैच पकड़ा था। और टेस्ट क्रिकेट का सबसे पहला स्टंपिंग इंग्लैंड के ब्लैकहम ने किया था। उसके बाद वनडे में पहला विकेट लेने वाले गेंदबाज एलन थॉम्पसन थे। थॉम्पसन ने वनडे इतिहास का पहला विकेट जेफरी बायकॉट को आउट कर लिया था। अब विकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लेने वाले फेडरिक स्पोफोर्थ थे। फेडरिक ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1878 में क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक ली थी और यही हैट्रिक विकेट अगर एक दिवसीय क्रिकेट में किसी ने पहली बार ली थी तो वो थे पाकिस्तानी गेंदबाज जलालुद्दीन। उन्होंने साल 1982 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट की पहली हैट्रिक ली थी और T20 मैच में पहले हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज ब्रेटली थे। उन्होंने यह हैट्रिक बांग्लादेश के खिलाफ साल 2007 में ली थी। लेकिन आज श्रीलंका के लसित मलिंगा एक ऐसे लौते गेंदबाज है जिसने 3 बार हैट्रिक ली है और क्रिकेट के इतिहास में बिली मिडविंटर ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लिए थे। उसके बाद एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज इंग्लैंड के जिम लेकर है। जिम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1956 में एक पारी में 10 विकेट लिए थे और इसी रिकॉर्ड को भारत के स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले ने दोहराया था। कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 1999 में एक पारी में 10 विकेट लिए थे, यानी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अनिल कुंबले हैं। क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले एक दिवसीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने बनाया है। उसके बाद श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज मिथिया मुरलीधरन ने भी एक दिवसीय क्रिकेट में 537 विकेट लिए हैं। मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में भी 800 विकेट लिए हुए हैं। और क्रिकेट के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट बॉल पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने फेंका था। उस बॉल की स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। अब बात गेंदबाजी की हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि क्रिकेट में गेंदबाज जो गेंद फेंकता है उसकी स्पीड कैसे मापी जाती है। तो स्पीड को 2 तरह से मापा जाता है। पहला तरीका रडार गन या स्पीड गन, जो पुरानी तकनीक है। इस तकनीक से गेंद की स्पीड को मापने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे चलती कार की स्पीड मापते हैं। इस तकनीक की खोज साल 1946 में जॉन बाकर ने की थी। इस स्पीड गन में एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर लगा होता है। इस स्पीड गन को साइड स्क्रीन के पास एक ऊंचे खंभे पर लगाया जाता है जहां से स्पीड गन पिच की दिशा में तरंग भेजता है और पिच पर किसी भी चीज की गतिविधि का डेटा इकट्ठा करता है और फिर इस डेटा को इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाता है जहां से उस गेंद की स्पीड जानी जाती है। और क्रिकेट की दुनिया में इस रडार गन या स्पीड गन का पहली बार इस्तेमाल साल 1999 में हुआ था। और स्पीड मापने का यह काम बहुत ही जल्दी होता है, तभी तो क्रिकेट मैच में जैसे ही गेंदबाज गेंद फेंकता है तो उसकी स्पीड आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती है। दूसरी तकनीक का नाम है होक आई। इस होक आई तकनीक का इस्तेमाल क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, टेनिस जैसी प्रतियोगिता में होता है। इस तकनीक की खोज पॉल हॉकिंस नाम के व्यक्ति ने की थी और क्रिकेट में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग साल 2001 में किया गया था। क्रिकेट में आज इस होक आई तकनीक का इस्तेमाल होता है क्योंकि इस तकनीक में कोई भी गलती नहीं होती, कम से कम अंतर में भी यह सही स्पीड बताती है। इसी कारण इस तकनीक को अलग अलग खेलों में सही निर्णय के लिए चुना गया है। बिल्कुल वैसे ही नापता है जैसे गेंद को फेंका जाता है।
वैसे इस हॉकी तकनीक को इसलिए बनाया गया था ताकि मिसाइल पर नजर रख सके, लेकिन आज इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे सिर की सर्जरी करने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में 6 कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इससे गेंदबाज के हाथ से गेंद के छूटने से लेकर स्टंप की ओर जाते समय गेंद की दिशा और लंबाई को समझने में स्पष्ट रूप से मदद मिलती है। इसके अलावा यह तकनीक LBW के रिव्यू के लिए भी तीसरे अंपायर की मदद करती है, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि क्या गेंद वास्तव में स्टंप की लाइन में था या नहीं। तो इस तरह से क्रिकेट में गेंद की स्पीड को मापा जाता है। तो ये थी क्रिकेट की कुछ मजेदार बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी।